पीएम मोदी आज लोक सेवकों को करेंगे सम्मानित। ज्ञान व्यापी मस्जिद से जुड़े मामले में होगी सुनवाई। गुरुवार 20 अप्रैल का दिन खबरों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में गुरुवार को भारतीय सेना के ट्रक में आग लगने से 5 जवानों की मौत हो गई है। हालांकि बाद में जानकारी मिली कि राजौरी सेक्टर में अज्ञात आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड के संभावित उपयोग के कारण सेना के ट्रक में आग लग गई थी। आज का दिन भी खबरों से भरा रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह 11 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही इन खबरों पर रहेगी आपकी नजर। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 5 दशक पुराना विवाद समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। वहीं गुजरात के नरोदा पटिया नरसंहार मामले में गुरुवार को अहमदाबाद की विशेष अदालत फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को निर्दोष बताया है। 21 साल पहले हुए एक दंगे में कुल 11 लोग मारे गए थे, जिसके बाद पूर्व राज्य मंत्री समेत 82 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इधर आईपीएल 2023 के 28वें मैच में एक रोमांचक मुकाबले में आखिरकार दिल्ली को पहली जीत मिली। दिल्ली ने कोलकाता को 4 विकेट से हराया। अक्षर पटेल ने आखिरी ओवर में 2 रन लेकर टीम को जीत दिलाई। दिल्ली के लिए डेविड वार्नर ने हाफ सेंचुरी पूरी की। वहीं आज का दिन भी खबरों से भरा रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह 11 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर गुयाना, पनामा, कोलंबिया और डोमिनिकन गणराज्य की 9 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। साथ ही ज्ञानव्यापी मस्जिद काशी विश्वनाथ विवाद से संबंधित वाराणसी की एक अदालत में लंबित सभी मुकदमों के समेकन की मांग करने वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके साथ ही इन खबरों पर रहेगी आपकी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नए क्षेत्रों में द्विपक्षीय जुड़ाव का पता लगाने के लिए गुयाना, पनामा, कोलंबिया और डोमिनिकन गणराज्य की 9 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर गुयाना, पनामा, कोलंबिया और डोमिनिकन गणराज्य की 9 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। साथ ही ज्ञानव्यापी मस्जिद काशी विश्वनाथ विवाद से संबंधित वाराणसी की एक अदालत में लंबित सभी मुकदमों के समेकन की मांग करने वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके साथ ही इन खबरों पर रहेगी आपकी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नए क्षेत्रों में द्विपक्षीय जुड़ाव का पता लगाने के लिए गुयाना, पनामा, कोलंबिया और डोमिनिकन गणराज्य की 9 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे।